ए लड़की, ये क्या नाटक लगा रखा है? ये सब करने के लिए तू हम सबको बाहर निकालकर यहाँ विराट के पास रुकी हुई है? नहीं, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए रुकी थी। मस्त मस्त, भिखारी से उधार और बेशर्मों से शर्म की उम्मीद करने वाला ही गलत होता है, लेकिन मैं ये गलती नहीं करने वाली। मुझे पता था तुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके तुझे यहाँ से निकलवाने का इंतजाम कर दिया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग साई। साई, आई नो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और मैंने खुद ने तुम्हें ऑब्जर्वरशिप की जॉब दी है, लेकिन मिसेस भवानी चव्हाण ने कहा है कि ये और इनका पूरा परिवार नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ इस केस में काम करो। डॉक्टर, हमें आप पर और इस हॉस्पिटल पर भरोसा है, इसलिए हमने हमारे बेटे को यहाँ एडमिट किया, लेकिन ये लड़की बार बार खुद को विराट की पत्नी बताकर झूठ बोल रही है। ये विराट की पत्नी है नहीं, थी। तलाक हो चुका है इनका, पर आज विराट की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार भी यही लड़की है। सही कह रही है? सच कह रही? तुम्हारा और विराट का डिवोर्स? जी डॉक्टर। आई कांट बिलीव इट। आई मीन जिस तरह से तुम विराट को हॉस्पिटल लाई, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो इंजेक्शन लाई, यकीन ही नहीं हो रहा है कि विराट की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो सकती हो। यकीन करना होगा डॉक्टर साहब, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और मैं इस परिवार की मुखिया और विराट की काकू होने के नाते आपसे कह रही हूं कि इस लड़की को विराट के केस से हटा दीजिए। I'm really sorry sir, लेकिन पेशेंट की फैमिली की रिक्वेस्ट और सेंटिमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, सो अब तुम इस केस पे काम नहीं कर सकती। Excuse me. अब डॉक्टर, कल बड़े तेवर दिखा रही थी ना वो जंगली मुल्की, हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, पर अब देखो कैसे डॉक्टर पटेल ने उसे यहां से जाने को कह दिया। अच्छा हुआ बड़ी मामी कि आपने डॉक्टर पाटिल से इस बारे में बात कर ली। मैंने तो कल ही उस सही से कह दिया था कि कल सुबह तक उसे उसकी असली जगह पता चल जाएगी। उसे विराट और परिवार वालों से दूर जाना ही होगा। लेकिन ये तूफान मेल इतना वक्त क्यों लगा रही है? निकल क्यों नहीं रही है बाहर? ए चंगी मुलगी, तू अभी तक यही है, गई क्यों नहीं? विराट को होश आ गया बड़ी मामी, विराट को होश आ गया, विराट को होश आ गया। विराट कसैस बड़ा, विराट को होश आ गया। मुझे पता था कि मेरा भाई फाइटर है, वो इस जंग को जीत के जरूर निकलेगा। मैं बाकी घर वालों को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं है। विराट पूरी तरह होश में आने से पहले इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। बड़ी मामी, विराट को होश आ गया है और इसने सही की जान बचा के खुद की जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। ये सही को नहीं जाने देगा। अब विराट हमेशा की तरह अपनी सई की तारीफें करेगा, उसे निहारेगा। पता नहीं हर बार जो मैं चाहती हूं उसका उल्टा ही क्यों होता है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैंने मोहित को बता दिया है, घर वालों को लेकर आ ही रहा है। ये न्यूज सुनकर घर वाले बहुत खुश थे और विराट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, अभी आप आराम करना चाहते हैं ना, आप आराम कर लीजिए, मैं बाद में आऊंगी। बाद में भी क्यों आओगी तुम? कौन हो तुम? हमारा रिश्ता क्या है? सही सुशी,
एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ए जंगली मुल्की, तो आखिर तूने हार मान ही ली, जाने पड़ा तुझे यहां से। विराट ने भी तुझे बाहर का रास्ता दिखा ही दिया। बेचारी डॉक्टर सही, क्या हुआ? अपनी दवाई तुम्हें खुद ही खानी पड़ी, वो कड़वा हो गया होगा ना। पत्र लिखा, बड़ी मामी सही जा रही है तो उसे जाने दीजिए ना। जिस तरह से हमें चिढ़ाते हुए हॉस्पिटल में आई थी, इसे तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। हम तो फिर भी कुछ नहीं कह रहे इसे। मैंने हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप की जॉब आपको चिढ़ाने के लिए नहीं ली थी, विराट सर का ख्याल रखने के लिए ली थी। और अब भी मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो इसलिए कहा क्योंकि अब तू उसकी कोई नहीं लगती, तू रिश्ता तोड़ चुकी है उसके साथ, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। लेकिन हम उसके अपने हैं, उसका परिवार, हमें हक है उसके साथ रहने का। अब तू उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है। मैं विराट सर के लिए क्या हूं ये बात मुझे वो अच्छे से बता चुके हैं, और हमारा रिश्ता आपके शब्दों का मोहताज नहीं है काबू। इसलिए प्लीज आप अपने शब्द इस पे जाया मत कीजिए। हाँ, मैं विराट सर के लिए अभी अजनबी भले ही हूं, लेकिन इसी अजनबी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और उनकी जगह मैं भी होंगी तो ऐसा ही करूंगी। जब भी विराट सर को मेरी जरूरत होगी वो मुझे अपने पास ही पाएंगे। इसलिए आप प्लीज मुझे चिढ़ाकर, मुझ पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। और वैसे भी ये चवान निवास नहीं है, हॉस्पिटल है, कम से कम यहाँ तो शांति बनाए रखिए। मतलब उस लव बर्ड की स्टोरी का दी एंड हो गया? वही नहीं, विराट ने सच में सही को बाहर निकाल दिया और वो देवी जी चली भी गई। हाँ, विराट ने होश में आते ही ये कमाल कर दिया। लगता है अब हमारे परिवार के अच्छे दिन शुरू हो गए। दादू सिटो, लेकिन सही भाभी, सही ने झगड़ा वगड़ा तो किया ही होगा ना? विराट ने उसे मौका ही नहीं दिया। और पत्र लिखा, तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा। दादू सुट्टू आई, लेकिन सम्राट दादा का क्या? विराट कैसा है? बात हो पाई तुम लोगों की? नहीं, वो विराट ने सही को बहुत सुनाया तो बात करने की वजह से थोड़ा थक गया है। अभी भी तो होश में आया मामा, तो थोड़ी कमजोरी है, उसे आराम करना था इसलिए हमने परेशान नहीं किया और बाहर आ गए। लेकिन सम्राट, हम उससे मिल तो सकते हैं ना? मामा। हाँ, मैं भी वीरू को देखना चाहती हूँ। रुक जाओ। अंदर जाने से पहले हमें हॉस्पिटल स्टाफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, पता लगाना होगा ना कि वीरू बात करने के हालत में है भी या नहीं। शिवानी ठीक कह रही है, विराट ने होश में आते ही बाहर वाले को निकाल दिया। अब हमें इत्मीनान से इंतजार करना चाहिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।